वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो गाइज फैमिली, सच बताऊँ ना, कुछ दिनों से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि गाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि हम लोग जल्दी अपने मिनी ज़ू पर काम करने वाले हैं और जल्दी हमारा जो मिनी ज़ू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो एक दो दिन में प्लांट्स भी आ ही जाएंगे, तो उसके बाद हम अपने मिनी ज़ू में भी प्लांट सेट करेंगे और साथ में अपनी छत पर भी, यानी कि जहां हमारे कबूतर रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फैमिली में। बस एक बार प्लांट्स आ जाएं, उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे सब कुछ कैसे सेट वगैरह करना है। और फैमिली जहाँ इतनी ज़्यादा खुशी है मुझे मिनी ज़ू को लेकर और बाकी ये सब कुछ सोच कर, वहीं फैमिली थोड़ा सा मन उदास भी है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कितनी मेहनत से मैं अपने कबूतरों को रखती हूँ, इतनी इनकी मतलब इनकी इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ सब कुछ। और जब कोई कबूतर निकल जाता है तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मन एकदम से दुखी हो जाता है। और गाइस आजकल तो बस ये हो रहा है कि पता नहीं कैसे मेरी छत से कबूतर भागने में लगे हुए हैं, या फिर ये कह दूँ कि ये मेरे कबूतरों को भगाने में लगे हुए हैं। गाइस इससे पहले एक कबूतर चला गया था, उसका चलो मैंने सोचा कि कोई नहीं चला गया होगा, आ जाएगा ये वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी मुझे जल्दी में ही फिर से पता चला है कि एक कबूतर और हमारा छत से गायब है, यानी कि हमारा बादल। आप लोग जानते हैं बादल को अच्छे से। तो फैमिली बादल को मैंने कितनी मेहनत से अपनी छत से पकड़ा था और कितने टाइम से वो हमारी छत पर रह रहा था, और अचानक से जब मुझे सुनने के लिए मिला कि बादल छत से गायब है, तो फैमिली मेरा तो बिल्कुल दिमाग है ना ख़राब ही हो गया। अब इस सब को लेकर मेरी आर्यन से थोड़ी सी कहा सुनी हो गई फैमिली, होनी थी। वैसे मुझे इतना करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी कुछ ज़्यादा ही कर गई। आर्यन मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, और जब मैं घर पर भी नहीं होती हूँ तब भी वो मेरे पेट्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस पिजन वाली बात को लेकर, यानी कि हमारे बादल की बात को लेकर मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, जिसकी वजह से आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्से में है अभी। और ये भी बोला था मैंने कि छत पर आ जाओ, मेरा शूट कराने के लिए भी नहीं माने हैं। तो फैमिली आप लोग बताइए मैंने सही किया है या फिर गलत किया है। और आर्यन ने जो किया है वो तो खैर किया ही है, और कब से छत पर बुलाने की कोशिश कर रही हूँ तो छत पर भी आने के लिए मना कर दिया है। तो गाइस मेरी भी कोई गलती थोड़ी ना है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप लोग ही बताइए। अच्छा आप लोग बताना कि किसकी गलती है, आर्यन की गलती है मेरी गलती है। और अगर मैंने आर्यन को थोड़ा बहुत कह भी दिया तो उसमें कोई मसला तो होना नहीं चाहिए ना वैसे अभी बाकी क्या ही कर सकते हैं। और बाकी आई थिंक, मुझे लगता है गेट पर साहब आ गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। आ गए आप, तो अब इधर नहीं आना आपको, क्यों क्या हो गया गाइस देख रहे हैं अरिन छत पर आने के बाद, और सीधा देखिए वो जो हमारे बराबर वाली छत है उस पर चले गए हैं। वरना जब भी छत पर आते हैं और मैं अपनी हेल्प करने के लिए बोलती हूँ कि शूट करा दो, तो तुरंत मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बादल वाली बात को लेकर, वो देखिए अभी तक कितना ज़्यादा नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। वो देखिए वहाँ पर है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, ठीक है एक बार देख लेते हैं मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। आ जाइए छत पर, आपको क्या हो गया, आप तो अच्छा खासा मेरा शूट कराते थे और मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करते थे, और घर भी नहीं होती हो तब भी इनको फीड वगैरह कराना सब कुछ करते हो, लेकिन अभी क्या हो गया है आपको, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो बिल्कुल। मतलब मैं वो कुछ बोल रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं आ रहा है, क्या हुआ है। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो चलता है यार, समझा करो आप लोग भी। मैंने क्या कुछ कहा है, करा दूंगा शूट ही तो कराना है, करा दूंगा। आपको समझना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए आप। अच्छा आप एक बार खुद सोच के बताओ आप, अभी गलती है या नहीं है, थोड़ी सी तो गलती है ना। मतलब हमारा बादल छत से गायब है, मेरी पूरी YouTube फैमिली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है सब कुछ जानने के लिए इनके बारे में, इतना हर टाइम इनकी अपडेट उनको चाहिए, पूछते रहते हैं। और बादल को कितनी मेहनत से छत से पकड़ा था, बादल आपने भगाया है ना, तो आपको नहीं लग रहा कि थोड़ी सी गलती है। अरे मैं उसको ढूंढ के ला दूंगा, कहीं भी होगा वो जाके उसको पकड़ के लेकर आऊंगा। और अगर वो नहीं आया फिर मुझे क्लू तो मिले कहीं से कि वो वहाँ पर है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैंने जानकर नहीं भगाया था,
वैसे ही मैं तुम्हारी ही मतलब हाँ वो बात मैं समझ रही हूँ, उड़ाया था मैंने सोचा कि वो हिल जाएगा तुम्हारे यहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो मुझे ज़्यादा क्रेडिट दोगी कि हाँ तुमने, अब मुझे ये बताओ भाग जाने वाला है, तुमने तो कहा था कि वो उठ बैठ करने लगा है, वो कहीं जाता नहीं है, उड़ के आ जाता है। हाँ वो बात मैंने ही आपको बताई थी, और आपकी भी गलती नहीं है, इससे पहले भी मेरे कई कबूतर जा चुके हैं, आप ही तो ये बोलते हो कि आप परेशान मत हुआ करो, कितने कबूतर आपके पहले भी भाग चुके हैं, लेकिन बादल को लेकर मैं थोड़ी सी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि उसको, मैंने उसके लिए सॉरी बोला था, इससे ज़्यादा क्या करूँ यार, अभी वो आप जानते हो ना डल्ट भी नहीं हुआ है, तो उसको अभी कहाँ इतना उड़ना भी नहीं आता होगा, उसको किसी ने पकड़ा होगा फिर क्या होगा, आप कहाँ से लेके आओगे बताओ, मतलब मैं कहाँ से कहीं से तो ले आऊँगा, जहाँ मिल जाएगा दूसरा ला दूंगा मैं, उससे बेहतर ला दूंगा, पर तुम प्लीज़ यार माफ़ कर दो इस बार, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे किसी कबूतर को नहीं उड़ाऊंगा पक्का, तो मिस करता हूँ ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मेरी हेल्प नहीं करते, कितनी हेल्प करते हो आप मेरी, और बाकी मेरी गैर मौजूदगी में इन सब की केयर करते हो, इनको फीड वगैरह भी करा देते हो बहुत बार, जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप करा ही देते हो, तो बाकी बस इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, और फैमिली के साथ भी मैंने शेयर किया। अच्छा मैं तुम्हें जल्दी मिनीजू के लिए अच्छा बर्ड ला के दूंगा, ताकि तुम्हारा मतलब तुम्हें खराब ना लगे, फाइनली बादल चला गया तो उसके लिए प्लीज़ आई एम रियली सॉरी एक बार फिर से, और क्या कहूँ इससे यार, है ना मजीद तो तुम्हारा है तुम्हारे पास, अगर बादल चला गया अच्छा, तो सच बताओ ना, तो मेरा जो मजीद है और मेरा बादल है वो दोनों मेरे लिए एक ही हैं, क्योंकि मैंने उनको एक साथ ही एक एक दो दो दिन के गैप में पकड़ा था, और बारिश के सीज़न में मैंने इनको पकड़ा था। वैसे मैं अब उड़ाने भी नहीं वाला हूँ उसको ठीक है, मैं दाना ले आऊँ इनके लिए दाना, अगर हाँ दाना लेके आओ, वैसे भी फिर अंधेरा हो जाएगा। खैर फैमिली हरिन का गुस्सा भी पहले से कुछ शांत हो गया है, ज़्यादा तो नहीं थोड़ा बहुत तो मान ही गए हैं, वरना तो फिर आप लोग जानते ही हैं फैमिली क्या बताऊँ, वैसे आप लोग भी यही बोलते हो अगर कोई पिजन भाग जाता है या मैं परेशान होती हूँ, तो आप लोग भी यही हमेशा समझाते हैं कि परेशान मत हुआ करो कबूतरबाजी में, या ये जो पिजन फैमिली होती है कबूतर जब हम लोग शौक करते हैं इनको रखते हैं केयर करते हैं, तो ये सब तो चलता रहता है, किसी का कबूतर आया किसी का भाग गया, बहुत बार औरों के हमारी छत पर आ जाते हैं और हमारे किसी और के पास चले जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है, वो बात भी ठीक है, लेकिन गाइस जब इतनी मेहनत से हम किसी के साथ मेहनत कर रहे हों, बाई चांस जैसे कि वो बादल ही हुआ, उसको अपनी छत से पकड़ा था, इतने टाइम से अपने साथ रखा हुआ था, और सच बताऊँ तो मैं आप लोगों से कह भी दी थी उसको हिलाएंगे भी अपनी छत पे, और बाकी आगे जब अपने कबूतरों को उड़ाएंगे तो उसको भी उन्हीं के साथ उड़ाएंगे, लेकिन अभी वो छत से गायब है तो क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, कुछ टाइम वेट कर लेती हूँ, वैसे दाना डाल दूँ इनके लिए? हाँ आप दाना डाल दो, डालना है बताओ, यहाँ वहाँ पर इधर डालना थोड़ा साफ में है ना, अभी मुझे छत की भी गाइस क्लीनिंग करनी है, क्योंकि छत है ना एकदम से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, तो उसको भी क्लीन करना है मुझे, तो आर्यन वहाँ पर पिजन को फीड करा रहे हैं, वो देखो और कबूतरों को खोल दिया है गाइस, वहाँ देखिए जाल वाले कबूतरों को भी खोल दिया है और यहाँ पेटी वालों को भी खोल दिया है, ये देखिए वहाँ पर सब फीड कर रहे हैं, देखिए अभी सभी साथ में इकट्ठा फीड कर रहे हैं, देखिए पेटी जो है वो भी बिल्कुल एकदम से खाली हो गई है, और वहाँ देखिए जाल के अंदर भी कोई कबूतर नहीं है, सभी यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, वो देखो तो ठीक है दोस्तों, अभी बाकी सभी कबूतरों को फीड वगैरह मैंने करा दी है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बादल के बारे में बताया, और हमारा बादल अभी छत से गायब है, तो वेट कर लेते हैं कुछ दिन में शायद हमारा बादल वापस आ ही जाएगा, तो आज की वीडियो को भी यहीं पर ओवर करती हूँ, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाय बाय एंड टेक केयर।